गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप सबको नया चैनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। मैं अच्छी हूँ, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ में। तो चलो, सुबह का शुरुआत हो गया तो मतलब काम का शुरुआत हो गया। तो इधर बादाम भी मेरा इंतज़ार कर रहा है, चलो मुझे छीलो और फटाफट खाओ करके। तो मैं बादाम छील लेती हूँ और इधर दूध भी रखा है, दूध भी गर्म कर लेती हूँ। सूरज भी उठ गया, सूरज स्कूल गया नहीं है, उसको मैं सुबह बहुत उठाई लेकिन उसने बोला मम्मा मेरा नींद पूरा नहीं हुआ, मैं नहीं जाऊँगा, तो बोल के सूरज स्कूल नहीं गया, तो इसीलिए सूरज घर पे ही है। तो चलो नाश्ता बना लेती हूँ फटाफट। और आज पूरा दिन मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो को देखना, मेरे साथ बने रहना। और जो भी मेरे चैनल में अगर नए हों तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो नाश्ता बना लेती हूँ। तो आटा निकाल लिया मैं, तो आटा फटाफट चाल लेती हूँ। आटा चाल के फिर रोटी परोठा जो भी बनाने का वो बना लेती हूँ। और साथ में तो सब्जी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझे तो सब्जी पसंद नहीं आता। सुबह टाइम पर मुझे चाय रोटी नहीं तो चाय परोठा ही चाहिए होता है। तो चलो फटाफट आटा चाल लेती हूँ। तो आटा चाल के भी हो गया मेरा। अभी इसमें ना मैं थोड़ा नमक मिला लेती हूँ आटे में, और आटा लगाने के लिए पानी ले लेती हूँ। तो चलो आटा लगाने के लिए बैठ जाती हूँ, फटाफट आटा हम लगा लेते हैं। तो आटा लग गया, चाय भी रखती हूँ मैं और जो कि दोनों पिए वो दो चम्मच चाय पत्ती बस हो जाए। तो हो गया। तो अदरक, अभी अदरक को खाली छील लेना है। तो इसमें तो मैं उसके बाद में शक्कर दूंगी, तब तक पहले क्या करती हूँ अदरक को छील ले। कैसे का अदरक बड़ा मतलब बिना अदरक वाला चाय नहीं अच्छा लगता ना मुझे, तो इसलिए मैं रोज ही अगर दोनों टाइम चाय पीती हूँ ना सुबह और शाम, तो मैं अदरक वाला ही चाय पीती हूँ। अदरक को पहले छील लेती हूँ, छील के बारी बारी करके। हमारा मेरा मतलब मेरा ब्लॉग बोलेगा तो ऐसा होता है, मतलब इसमें कुछ मतलब ना शाइनिंग मारने वाला ना ऊपर का कुछ तामझाम दिखाने का, ऐसा जो हाँ ये करते वो करते, जैसा जो मतलब रोज का घर का डेली का जो रूटीन रहता है, जो मतलब एक मतलब हर एक मिडिल क्लास घर में जो होता है, मतलब वैसे ही हम जो मतलब पूरा रियलिटी है, हम जो खाते हैं जो करता है बस वही दिखाता है। और कुछ मतलब एक्स्ट्रा मतलब बनावट करके मैं दिखाना पसंद नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखो अदरक मैंने कूट लिया, ये डाल दिया चाय में, क्योंकि वो बनावट वाला वीडियो में ना मज़ा नहीं आता है। बिना मतलब का दिखाऊंगी मैं इतना सारा चिकन लाया, इतना सारा मटन लाया, ये बनाया वो बनाया, वो ताम झाम मुझे नहीं जमता। दाल चावल खाया तो हम बताएंगे, हम दाल चावल ही खाएंगे। तो चलो चाय में अदरक भी डाल दिया, अभी शक्कर भी डाल देती हूँ, फिर दूध डालूंगी हो जाएगा। इधर फिर रोटी बना लेती फटाफट, तो चाय बनने दो तब तक मैं रोटी। तो रोटी बन गया मेरा, ये लास्ट रोटी है। सूरज का दूध उधर मैंने ठंडा करने के लिए रख दी हूँ। चाय भी बन गया, तीनों गैस साथ में चालू कर लिया था इसलिए जल्दी हो गया। तो ये मेरा लास्ट रोटी है, चलो ये भी हो गया। अभी फटाफट नाश्ता करने के लिए बैठ लेते हैं। तो मेरा ब्लॉग कैसा बन रहा है मतलब कमेंट्स में जरूर बताना, और मेरे साथ में ऐसे ही रहना क्योंकि आप लोगों का प्यार है तो मतलब हमारा मतलब वीडियो चलेगा। अगर आप लोग नहीं देखोगे तो कौन देखेगा, तो इसलिए आप लोग ऐसे प्यार बना रखना जैसे मतलब आज तक रखे हो, तो कैसा मुझे भी फिर बनाने को अच्छा लगेगा। लास्ट रोटी बना लेती हूँ।
लास्ट वाला रोटी हो गया, ये वाला रोटी देखो चिपक गया कैसे, तो क्योंकि तावा ज़्यादा गर्म हो गया था इसके वजह से। तो ये रोटी भी मेरा कंप्लीट हो गया, बाकी का आटा लगा हुआ है, सोच लिया दोपहर को चावल नहीं बनाऊंगी, दोपहर को रोटी बना लूँगी। तो बन गया ये रोटी भी मेरा, हो गया, गैस बंद कर देती हूँ, रेडी चाय है, चाय भी रेडी हो गया। चाय भी मेरा रेडी है, तो चलो इसको भी बंद कर देते हैं। इधर मैंने सूरज का दूध रखी थी ठंडा करने के लिए, तो सूरज का दूध भी ठंडा हो गया, तो चलो नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं, आ जाओ आप लोग। तो अभी जा रही हूँ मैं सब्जी लेने के लिए, सब्जी मार्केट में, मार्केट बोलेगा तो अपना इधर ही दुकान है। मेरा स्कूटी का हालत देखो, मैं शनिवार को निकाली थी, उसके बाद में मैं निकाली नहीं हूँ, इसमें मिट्टी इतना भर गया, आप इसको एक बार साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है चलो जाके सब्जी लेके आ जाती हूँ मैं, अभी रास्ते पे हूँ। तो दुकान पहुँचने के बाद में देखती हूँ क्या सब्जी मिलता है क्या नहीं मिलता है, और देख के फिर लेती हूँ। धूप इतना तेज है, बाप रे, जैसे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो सब्जी मार्केट में देखती हूँ सब्जी में क्या मिलता है। तो आ गई मैं सब्जी मार्केट में, देखो टमाटर अच्छा है ना, विदेशी टमाटर है, चलो टमाटर ले लेते हैं। हो जाएगा ना एक किलो, ये ले लो टमाटर। सब्जी बहुत बढ़िया, आलू भी अच्छा दिख रहा है। आलू इसने टोकरी में डाला नहीं है, तो ऐसे बस्ते में ही है, यहाँ से ही चुन के लेना पड़ेगा मुझे। ऐसा चलो आलू निकाल लेती पहले मैं फटाफट, देख कितना हो जाएगा, 2 किलो के कितना होगा क्या, ये मटर है क्या, बटाना, हाँ ग्रीन ग्रीन बटाना दे, पाव दे बटाना दे, और बटाना और गोभी भी पाव दे दे, गोभी पाव देना, मटर पाव देना। दाना है क्या उसमें, है दाना है, कैसे पाव कितना दिया, हाँ 300 आया, देख इधर पाव बोली मैं, किलो नहीं बाबा उतना खाने वाला नहीं है 1 किलो, तो दूसरा किसका वजन कर रहा है, मुझे दे दे बाबा, दे दे लेट हो रहा है। मटर पाव दे और गोभी पाव दे, कैसा दिया मटर पाव, नहीं नहीं आधा नहीं चाहिए पाव ही दे, 15 रुपये लेगा अभी। तो ये भी दे, गोभी भी दे दे मुझे पाव, वो गोभी नहीं बंदा गोभी पाव देना मुझे, उतना अक्का नहीं चाहिए, कितना छोटा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अरे नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए पागल, तो फिर क्या है? और ये पालक रुपये पालक कैसे दिया रे, हाँ पालक कैसे दिया, दूसरा नहीं और तो चलो इधर पालक है, देखती हूँ इधर कैसा है, उसका झोले में से निकाला नहीं है, झोले के अंदर ही है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा फ्रेश लग रहा है ना, देखो
ऐसा लग रहा है, देखो इधर थोड़ा फ्रेश लग रहा है, बड़ा बड़ा पत्ता भी है। चलिए हम रख देते हैं इसको इधर। ये चल ये वाला दे दे। कैसे दिया पालक, कैसे दिया? तीन का कितना रे? 25 रुपए देना। दे बेथुआ भी दे दे मुझे, बेथुआ अच्छा। जल्दी करना, इतना बड़ा मेथी 15 रुपए और इतना छोटू सा बेथुआ 10 रुपए। 15 का इतना बड़ा ये ले ले, तू मुझे ये दे, तू मेरा दे बाबा, ये ले बेथुआ दे दे। ले बेथुआ दे दे, एक किलो कांदा दे, आधा किलो क्यों कांदा नहीं और चुनना पड़ेगा तो तू गिराक को ऐसे ही मतलब आधा किलो देख के भगाएगा, मैं डालेगा ऐसे ही जो देख मेरे को कांदा नहीं दे रहे। कितना दिया? आधा दिया। ये सब्जी वाला देखो हमारा इतना अच्छा है, उसमें धनिया काड़ी पत्ता अदरक मिर्ची सब ऐसे फ्री में देते हैं। अपना चेहरा दिखा जा रहा, हाँ ये कालियार का दुकानदार है, चाहो आप भी आ जाओ आपको भी फ्री में मिल जाएगा। दिखा लहसुन काली दिखा, हाँ पाव ही दे ज़्यादा मत दे, देख के निकाल देख के निकाल। कैप्सिकम भी अच्छा दिख रहा है तो एक काम करती हूँ, पाव किलो कैप्सिकम ले लेती हूँ, जैसे मैगी वगैरह बनाती हूँ ना तो उसमें डालने के लिए सही पड़ता है। हाँ चून उठा ले बेटा, ये दोनों में ही मेरे ख्याल से पाव किलो हो जाएगा है ना, ले दोनों डाल दे। हाँ हाँ पाव किलो दे दे, पाव किलो दे दे, कैसे एक छोटा सा निकाल ले। हाँ बाबा एक मिनट। हाँ कितना पाव किलो? 60 70 175 ओके सर, इतना ज़्यादा भारी हो गया थैली देख। नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ। ये दोनों ऊपर ये भी है तो हो गया सब्जी लेके। चलो निकल तू घर के लिए, वजन बहुत ज़्यादा है, घर जाके पहुँच के फिर अपने को पहले सब्जी समेटना है फिर खाना भी बनाना है। तो चलो मैं क्या सोच रही हूँ जाती जाती इधर से गन्ने का जूस लेके चलती हूँ। पंडित गन्ना जूस देते हैं क्या बनने वाला? हाँ ये देखो हमारा कालियार में पंडित है, गन्ने का जूस बेचता है। तो चलो भैया मेरे लिए 3 जूस लगा दो। हाँ हाँ हाँ, तो पंडित ने भाषण दे दिया तो हमने भी पंडित का भाषण को रिकॉर्डिंग कर लिया, तो आप लोग भी सुन लेना। सबसे पहले बोलते मन साफ रखने का, बाद में सब साफ हो जाएगा ऐसे ही अपने आप, मतलब साफ होके ऊपर पहुंच जाओगे ऐसा। तो अभी मैं जूस ले रही हूँ, कैसे ताज़ा फ्रेश जूस पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो 3 ग्लास जूस ले लेती हूँ मेरा ज्योति का सूरज के लिए। तो चलो मैं काम करूँगी, मैं तो पी लूँगी और बच्चे दोनों के लिए पार्सल ले लेती हूँ जूस का। पंडित मुझे ऐसे पीने के लिए दे देना, हाँ मुझे पीने के लिए दे देना। तो पैसा भी ले लिया, जूस भी ले लिया, बार बार वेलकम कर रहे हैं। तो चलो जूस ले लिया, अभी निकल कर आ गई मैं। ये रहा सब्जी मेरा, हरा सब्जी तो बहुत अच्छा मिला, मस्त मिला। टमाटर हो गया, इधर हो गया, जूस किधर गया? हाँ ये मिला गन्ने का जूस, अभी ये मैं ज्योति को और सूरज को देती हूँ निकल के। मैं तो पी लिया था उधर, बच्चे लोग को दे देती हूँ। चलो सब्जी भाजी लेके आ गई, जूस भी पी के आ गई हूँ, बच्चे लोग के लिए भी जूस लेके आई हूँ, वो लोग भी पी लिया। तो अभी सुबह का जो चाय का बर्तन है, पहले एक काम करती हूँ चाय का बर्तन मैं धो लेती हूँ। गैस में भी देखियो रोटी बनाई हूँ तो थोड़ा थोड़ा आटे का ये पड़ा है, वो ये अभी साफ़ नहीं करूँगी। एक काम करती हूँ पहले मैं खाना बना लूँगी तो साफ़ कर लूँगी, अभी अगर साफ़ करूँगी फिर से गंदा हो जाएगा। तो चलो पहले एक काम करती हूँ सुबह का जो नाश्ते का जो बर्तन है वो धो लेती हूँ। थोड़ा सा ही बर्तन है, इतना ही है देखो, इतना सा बर्तन है, इतना धो लेती हूँ धो के फिर मैं दोपहर का खाने का तैयारी करती हूँ, क्योंकि अगर ये बर्तन फिर रह जाएगा फिर दोपहर का खाने का बर्तन एक साथ में बहुत सारा बर्तन हो जाएगा। तो चलो फटाफट पहले मैं ये बर्तन धो लेती हूँ फिर मैं खाना चाहती हूँ। तो मेरा दाल चावल बन गया, रेडी हो गया, अभी मैं बनाऊँगी बिथुआ। तो उसके लिए मैं कढ़ाई
रख दिया गैस पे। पहले ना मैं आलू काट के ली हूँ, आलू को फ्राई कर लूँगी। ये रहा मेरा लिखुआ। तो पालक भी लाई थी, पालक तो रखा है वहाँ पे, पालक अभी नहीं बनाऊंगी, आज बनाऊंगी दाल चावल और बिछुआ। तो पहले मैं एक काम करती हूँ, आलू को फ्राई कर लेती हूँ। तेल गर्म हो गया तो तेल में क्या करती हूँ, थोड़ा सा ना नमक डाल देती हूँ, कैसा तेल अपना आग में नहीं उड़ता है, तेल अगर नमक डाल देता है तो पहले मैं आलू को फ्राई कर लूँगी। आलू फ्राई करके पहले आलू को उठा लूँगी, उसके बाद में फिर मैं ये डालूँगी जो रखती हूँ ना मैं लहसुन कांदा और अपना सूखा मिर्ची। तो 4-5 दिन पहले मैं बनाई थी, तभी मैंने उसमें हरा मिर्ची डाल के बनाई थी। तो मैं सोची चलो आज सूखा मिर्ची से जब फ्राई कर लेती हूँ देखती कैसा बनता है। तो लेकिन पहले अभी मैं आलू को एकदम अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो मेरा ये चल गया सामान, टाइम काफ़ी हो गया, तो फटाफट चलो खाना बना लेती हूँ। दाल चावल इधर हो गया, दोनों रख दिया। इधर मैंने पानी गर्म करके रखी हूँ उबाल के, अभी तो फ्राई कर लेती हूँ फटाफट। तो साथ में तो हल्दी नहीं डालते जैसे कि, तो इसलिए मैं आलू में पहले थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, तो फ्राई हो जाएगा हल्दी के साथ में। आलू मम्मी से सुनी थी जो साथ में हल्दी नहीं डालते बच्चे, तो फ्राई कर लेती हूँ फटाफट। बोले तो फटाफट नहीं होता है, जितना टाइम लगने का उतना टाइम तो लगता ही है। तो मिर्ची को ना थोड़ा पोंछ लेती हूँ, सूखा मिर्ची ना कितना धूल मिर्ची लगा रहता है इसमें, ये तीखा वाला उसको खाने चाहिए, बहुत ज़्यादा तीखा होगा। तो ना ये मैं आलू के साथ फ्राई कर लेती हूँ, ये मैं खाऊंगी और ये तीनों सब्जी में डालूंगी। ये इस तरह भी टूट गया, ये वाला डाल देती आलू में मेरे लिए, और ये सूखा लीजिए सब्जी के लिए, छोटा छोटा टुकड़ा कर देती इसको। चला क्या होगा, आलू फ्राई हो जाएगा तो इसको उठा के रख लूँगी। उठा के रखने के बाद फिर ये कांदा फिर मिर्ची लहसुन डालूंगी, फिर ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो उसके ऊपर साग डाल दूँगी। फिर साग को थोड़ा हिला दूँगी, फिर उसमें से जो जो पानी निकालने का निकाल के बाहर आ जाएगा। इसके बाद में जब ये थोड़ा सूख के थोड़ा कम हो जाएगा तो अभी उसके ऊपर मैं आलू डाल के फिर निकाल दूँगी। अच्छा लगता है बहुत, मुझे तो अच्छा लगता है बेतुआ खाने में, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा एक शाक आता है ना, कौन सा बोलते हैं, कलमी शाक, बंगाली लोग तो बहुत खाते हैं। जैसे हमारा जो गाँव थे हमारा अनेक खेतम क्योंकि एखे पाई ना, मेन कथा हमें पाई ना तई खावा है ना, ना तो कलमी शाकटा हमार खूब फेवरेट आए, हमारो आर मेरों खूब भलो लगे ना खेते हमारे, क्योंकि एखे पाई ना तई। चलो तो देखो आलू एकदम मतलब छाका तेल पूरे भेजे नहीं एकदम अच्छे से फिंगर चिप्स जैसा फ्राई कर दिया। अभी मैं वो कढ़ाई में वो तेल रहेगा ना उसमें ये डाल देती हूँ, मतलब मिर्ची लहसुन जो है ये। वो जो अपना आलू फ्राई किया ना, आलू फ्राई करने के बाद और तेल बताएं उसमें मैं ये डाल दिया लहसुन मिर्ची और कांदा, जैसा फास्ट कर देती हूँ पानी गिर गया। चलो अच्छा हो गया, मैंने गैस पोंछ के लिया था। ये थोड़ा सा और फ्राई होगा फिर उसके ऊपर मैं साग डाल दूँगी। तभी इसमें तेल और नहीं दूंगी मैं, क्योंकि एकदम अच्छे से फ्राई किया आलू, तो आलू में भी तेल है काफ़ी, ज़्यादा तेल खाना भी इतना सेहत के लिए कुछ अच्छी बात नहीं है। तो आप क्या बोलते हो, ज़्यादा तेल खाना अच्छी बात है नहीं ना, तो इसलिए ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी, जितना तेल है अभी उतना ही बनाऊंगी मैं ऐसे। तो थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो गया दिख रहा है शायद आप लोगों को, कलर इसका चेंज हो गया। तो अभी मैं इसमें ये देखो ये जो बिथुआ रखी हूँ ना, अभी ये डालूंगी मैं, थोड़ा मैं डाल के पहले इसको ऊपर नीचे कर दूंगी, तो जैसे नीचे का जो कांदा है ना वो जल जाएगा, नीचे कांदा लहसुन को मैंने ऐसा ऊपर उठा दिया। तो इसमें ये ऐसा बेथुआ को इतना बार धोना पड़ा आपको, तो कम से कम 6 बार धोई मैं, मिट्टी निकले ही जा रहा था, निकलते ही जा रहा था इसमें से, बहुत सारा मिट्टी निकाली, तो 5-6 बार धोई मैं। नहीं तो कैसे खाना खाने के टाइम पे फिर मुँह पे कैसे मिट्टी मिट्टी आता है इसके वजह से। तो थोड़ा सा बचा इसमें थाली में, चलो डाल देते इसको भी, देख सकते हो पानी साफ आया क्योंकि इतना बार धोई ना मैं, इसलिए लहसुन और मिर्ची की वैसे खांसी आ गया। तो इसको दे दिया मैंने, पूरा साफ को डाल दिया। अभी इसमें से ना
थोड़ा तो पानी निकलेगा। तो अभी मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी, नमक को मैं बाद में डालूंगी क्योंकि अंदाजा नहीं मिलेगा बाद में। अभी अगर नमक डाल देती हूँ मैं तो एक काम करती हूँ उसको ना मैं ढक देती हूँ, तो इसको थोड़ा ढक देती हूँ तो कम हो जाएगा, तो मुझे अंदाजा मिलेगा जो इसमें कितना मतलब नमक पड़ेगा तभी मैं इसमें नमक डालूंगी। तो वो साथ में से देखो इतना पानी निकला है ये, तो ये पानी भी मैंने गैस फास्ट कर दिया तो पानी सूख जाने दो। तो अभी मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं इसमें कितना नमक डालूँ, तो इसमें इतना नमक बस हो जाएगा देखो इतना थोड़ा सा, क्योंकि नहीं तो फिर कैसे ज़्यादा नमक हो जाएगा और साथ ज़्यादा नमक होगा तो फिर खाने के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। इसको मिला देती हूँ, मिला के फिर थोड़ा सा इंतजार करती हूँ पानी सूखने का, जैसे पानी सूख जाएगा थोड़ा खुला खुला हो जाएगा तो मैं ये आलू डाल दूँगी इसमें। तो तब तक पानी सूखने दो। आज मैंने तुअर का दाल बनाई, कल मैंने मसूर का बनाई थी। दाल तो मेरे घर में मतलब 12 महीना होता है, तो कल मैं मसूर का बनाई थी तो आज मैं तुअर का बनाई, थोड़ा कैसा मूड चेंज हो जाएगा ना, अच्छा लगेगा। कल का जो दाल बनाई थी वो दाल अभी भी इधर पड़ा हुआ है, जो कि खाना नहीं खाई थी तो दाल इसलिए ऐसे रखा हुआ। कमर दर्द चालू हो गया, इतना ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत कमर दर्द हो गया है। मैं सुबह ही बोल रही थी ना, मतलब खाना टाइम पे खा रहे तो ठीक है, खाना का टाइम पे नहीं खाया गैस हो गया तो कमर दर्द चालू हो जाता है। तो गाइस प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट्स करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरा वीडियो को देखना ज़रूर पूरा, और मुझे और 200 सब्सक्राइबर का जरूरत है। 200 सब्सक्राइबर अगर हो गया तो मेरा मतलब 1K हो जाएगा सब्सक्राइबर, तो तभी फिर मुझे खाली 1K सब्सक्राइबर होने से तो भी नहीं होगा, 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा फिर भी मुझे तभी वॉच टाइम पूरा करना पड़ेगा, जैसे वॉच टाइम 4000 का दिया हुआ है यूट्यूब ने, जो तुमको 4000 वॉच टाइम पूरा करना है, तो उसकी जगह पे मुझे अभी तक 100 भी नहीं हुआ है, 70-75 ऐसा कुछ हुआ है, नहीं 74 था सुबह मैं देखी, तो सुबह 74 वॉच टाइम है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग मेरा ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, शेयर करना, तो मुझे वॉच टाइम मिलेगा। आप लोग का प्यार का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो जैसा 1K सब्सक्राइबर होने को आया वैसा मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा घर वाले को पसंद नहीं है जो मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैं भी उनको दिखाना चाहती हूँ जो हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ करके, तो इसीलिए जीत से मैं यूट्यूब चैनल खोली भी हूँ और बना रही हूँ। तुमको ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती, तो कोई कोई आदमी रहता है अपना वाइफ का साथ देता है, हमारा घर वाला ऐसा नहीं है साथ देने वाला। मैं देखी हूँ ज़्यादातर कि जो लोग ब्लॉग बनाते हैं उसको हस्बैंड के साथ में बनाते हैं, तो हमारा हस्बैंड तो ऐसा नहीं है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो मैं वही सोचती हूँ मन में चलो हम भी कुछ करके दिखाएं जो हाँ देखो हम भी कुछ कर सकते हैं करके। वो तो कभी भी ऐसे बोलते बिना मतलब को करती हूँ मैंने, तो मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलता, मुझे अगर मोबाइल से अगर फुर्सत नहीं मिलता तो घर का काम कौन करके जाता। तो चलो फ्रेंड्स अभी मैं देखो ये साथ मेरा पानी सूख गया, ठीक है पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं है, तो मैं ना अभी इसमें ये आलू जो फ्राई करके रखे थे इसको मिला दूँगी। मिला दिया तो अभी इसको इसके साथ मैच कर दूँगी ऐसा। ये बन गया मेरा बेटुआ, बांग्लाई बोले बेटो साग, तो ये बेटो साग वेरी बंगाली लोगों को नहीं तो लगेगा बेटुआ बेटुआ बोल रहा है, बेटुआ है क्या, तो बेटुआ बोलेगा तो ये बेटो साग, যেটা আমরা বাংলায় বলি বেটো শাক। তো চলো আমার বেটো শাক বানানো হয়ে গেছে, রেডি হয়ে গেছে। তো এর মধ্যে আর একটা জিনিস একদম সামান্য একটুখানি এর মধ্যে দিয়ে দিয়ে দেবে, কী বলে জানো, চিনি, ইয়ে পুরা শাক, শাকের মধ্যে কিন্তু চিনি দিলে ভালো লাগে, মানে শাকা শাকা দিয়ে দিই না, ঠিক আছে তো চুক্তি ভরকে তো শাকা তো স্বাদ হয় না জাদা ইচ্ছা আছে, তো হয়ে গেল तो वो देखो बन गया मेरा बेटुआ, तो अब इसको निकाल लेती हूँ मैं। मुझे साग बोले खाना बहुत अच्छा लगता है कौन सा भी हो, तो ये मेरा बेटुआ रेडी। तो अभी ये दाल भी है ना, ये कल का दाल है, तो इसको भी मैं थोड़ा गर्म कर लेती हूँ फटक से, इतना सारा दाल फेंकने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा होता तो मैं फेंक देती लेकिन दाल थोड़ा ज़्यादा ही है, मतलब एक जन का तो हो जाएगा जितना दाल है, तो इसलिए इसको फेंकूँगी नहीं मैं, इसको गर्म कर लूँगी मैं खा लूँगी इसको। तो फ्रेंड्स चलो ब्लॉग मैं आज ही इधर ख़त्म करती हूँ, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, बाय बाय।